हेलो दोस्तों, मैं संदीप और स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरा स्पीकर ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग को पता होगा मैं जिग्नी और बॉमचंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया के, मैंने तो बताना ही भूल गया कि बेंगलोर का जिग्नी बॉमचंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया के मैं हूँ और इनका अपडेट मैं देता रहता हूँ। यानी कि यहाँ पर बहुत सारा कंपनी है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो काम करने के लिए तो बेसिक आ सकती हो, बट जान लीजिए किसको बेटर यहाँ पर आने से फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। मैं इनका बारे में मेरा वीडियो पे मैंने ऑलरेडी अपडेट किया है, मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आने से पहले जरूर एक बार देख लीजिए। बट ये जो वीडियो है आज मैं स्पेशली जिन लोगों को वर्कर्स एज ए फैक्ट्री हेल्पर्स में काम करना चाहती हूँ उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। हाँ जी, किन के लिए? जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है कि इंजीनियरिंग का ही ज़्यादा सेक्टर से यहाँ पे, बट फैक्ट्रीज हेल्पर्स का भी दोस्तों यहाँ पे ज़रूरत होता है या फिर मशीन ऑपरेटर का भी ज़रूरत होता है। देखिए, अभी अगर फैक्ट्रीज हेल्पर्स बोला जाए तो दोस्तों अगर आप क्लास 8 पास हो या फिर क्लास 6 या फिर 5, उनको फैक्ट्री हेल्पर्स का काम कर सकते हो। आपका आधार कार्ड होना पड़ेगा और आपका क्या होना पड़ेगा, आपका 18 साल से ज़्यादा उम्र होना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं भी आता हो फिर भी आपको यहाँ पे काम करना है। फैक्ट्री सेल्पर्स मतलब यहाँ पे एक पाइप फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों, पीवीसी पाइप और के एल्बो वगैरह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यहाँ पे, ये बनाया जाता है। आपको पता ही होगा यहाँ पे आशीर्वाद पाइप फैक्ट्रीज भी है, बट ये दूसरा कंपनी का मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप काम कर सकते हैं इजीली, यहाँ पर 12 घंटा आप काम कर सकते हैं। 12 घंटा का अगर आप कोई भी हेल्पर काम करेंगे तो आपको 1500 से 16000 रुपया मिलेगा दोस्तों 26 डे में। अगर 30 डेज ड्यूटी करेंगे तो आपका ओटी काउंट होता है, उनमें से आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है दोस्तों पर आर का हिसाब। ओके, तो अगर आप 15 मान लीजिए आपका 17000 रुपया आता है तो ओटी आपको मिलेगा। अगर 4 ओटी आपने संडे मार दिया तो कितना हो सकता है, आपको ज़्यादा ही होगा, 20-22 हज़ार रुपया होगा। मेरा आपको नमनिक बता दिया, बट इनमें क्या है दोस्तों, आपको इनमें फैसिलिटी क्या मिलेगा, आपको 12 घंटा काम करना पड़ेगा, समोचर प्रोडक्शन होता है उसे एक जगह में स्टोरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारा काम है, मान लो आपको एक पाइप प्रोडक्शन हो गया उसको एक जगह से और एक जगह में ले जाना है, या फिर पाइप प्रोडक्शन हो गया उनको थोड़ा काटना, ये सब काम होता है, या फिर कोई पाइप प्रोडक्शन कर रहा है ये वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे काम होता है दोस्तों। आपका जितना स्किल है उतना आपको यहाँ पे वैसे ही काम मिलेगा। मान लीजिए आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया तो आपको छोटा लेवल में ग्राउंड लेवल में काम करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा पढ़ाई तो आपको अच्छा काम मिलेगा। और उसे अगर ऑपरेट वगैरह आप ITI वगैरह किए तो बस इन ऑपरेट करने के लिए काम मिलता है दोस्तों यहाँ पे। तो सैलरी भी ऐसे ही रहता है, मान लीजिए आपका 15000 रुपया 12 घंटे से स्टार्टिंग होता है दोस्तों, OT वगैरह मिलता है। उनके बाद में अगर आप थोड़ा अपग्रेड हो तो आपको 17-18 हज़ार, और थोड़ा अपग्रेड हो तो 20-25 हज़ार भी मिल सकता है। ओके, मंथ ऑफ इन में बस इनमें आपका PF और ESI भी कट होता है। उनके बाद में आपका ड्रॉप एंड पिकअप नहीं रहता है, खाना यहाँ पे कैंटीन फैसिलिटीज़ है दोस्तों, आप यहाँ से खाना खा सकते हैं। बट इनमें ये जो कंपनी है दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंसियरली काम करना पड़ेगा, 18 साल का उम्र ही ज़्यादा होना पड़ेगा और आपका पैन कार्ड जरूर रहना पड़ेगा। बैंक नहीं होने से भी वो बैंक यहाँ वहीं से आपको खुलवाने के लिए कोशिश करेगा। और ये जो कंपनी है डायरेक्ट रिक्रूट नहीं करता है दोस्तों, ये कोई थर्ड पार्टी एजेंसीज के द्वारा ही, आपको पता होगा थर्ड पार्टी एजेंसीज मतलब कोई वेंडर के द्वारा, वेंडर मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पर काम दिलाया जाता है। तो सबसे पहले आपको कंपनी में जाकर के काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर से मिलना होगा। सो इनके लिए यहाँ पर शिफ्टिंग सवेरे से होता है दोस्तों, आप सवेरे यहाँ पर जाइए, आपको पता होगा 12 घंटा 8 बजे से 8 बजे तक होता है, फिर 7 बजे से 7 बजे तक होता है, तो वही टाइम में आपको एग्जैक्ट उनको जाकर पकड़ना है दोस्तों। ओके, और उनसे बात करना है यहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं। जब भी आप काम के लिए ढूंढेंगे ना तो आपका डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी होना चाहिए, क्या आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी, फोटो ये वगैरह रहना ही चाहिए दोस्तों आपके पास में। ओके, तो जहीं पर भी आपको मिले तो आप पेन ले लीजिएगा, पेन भी चाहिए और एक सीट भी ले लीजिएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का नंबर आप लिख पाएंगे, क्योंकि एक कंपनी अगर काम ढूंढने के लिए जाएंगे तो आप 20-25 कंपनी आप एक ही दिन में ढूंढ पाएंगे दोस्तों। वहाँ से आप कॉन्ट्रैक्टर का इंक्वायरी करके आप जॉब ढूंढ सकते हैं। बट आज मैं बता रहा हूँ दोस्तों एक प्लास्टिक कंपनी का, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है प्लास्टिक, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया, या फिर खासकर यहाँ पे ITI जिन्होंने एम्प्लॉई अगर मिल चुका है तो एम्प्लॉई अगर मिल जाएगा यहाँ पे तो अच्छा खासा पेमेंट है दोस्तों। अगर आप 8 घंटा भी करती हो तो 20-22 हज़ार रुपया पेमेंट आ जाता है, ऊपर से ओवर टाइम तो है ही, या फिर उससे ऊपर भी आप अगर 12 घंटा करते हैं तो 30-35 हज़ार रुपया एम्प्लॉय का मिलता है, नॉट ए यानी कि हेल्पर का। ओके दोस्तों, मैं हेल्पर का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हेल्पर जॉब के लिए। सो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, एक कंपनी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, बट इससे पहले इसका एड्रेस बता रहा हूँ, जिग्नी बॉमचंद्रा लिंक रोड है, आशीर्वाद पाइप फैक्ट्री देखा नहीं तो संदर आपको देखा होगा, संदर से थोड़ा आगे, थोड़ा इस तरफ। ओके, माइक्रोट्रोल से थोड़ा आगे आपको एक प्लास्टिक कंपनी मिलेगा, यानी कि PVC कंपनी, जहाँ पर पाइप बनता है, जहाँ पर एवन प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड। ओके क्लियर, एवन प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, आप इनका गूगल कर सकते हो, मैप में जाकर के गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा, रास्ता का बगल पे है दोस्तों। अगर आप जॉब चाहते हो यहाँ पे जाइए, लड़का लोग जा सकता है। ओके, लड़की लोग भी जॉब के लिए जा सकते हैं, बट ये लड़का लोग के लिए कंफर्टेबल जॉब है, यहाँ पर ज़्यादातर लड़का लोग को ही प्रेफरेंस दिया जाता है दोस्तों। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना था,
और अच्छा लगा तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और बेंगलोर आने से पहले ज़रूर मेरा वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड को दिखाएगा, नहीं तो आकर के फंस भी सकता है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो इस एरिया में आकर फ़ायदा नहीं है दोस्तों, आप सिटी में रुकिए, आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा, फ़ायदा भी होगा आपका। मेरा कहना, मैं जो कहूँगा वो नहीं, बट आप जैसा सोचो वैसा, बट मेरी ओर से मैं कहूँगा आप लोग सिटी में रुकिए, आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे और मिलेंगे दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा।